बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना का रिपोर्ट जारी कर दिया है और इसके बाद से सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सवाल उठा रही है। पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर बीजेपी नेता कौशल कुशवाहा की ओर से बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि कुशवाहा विरोधी नीतीश तेजस्वी की सरकार, बिहार सरकार की तरफ से जारी की गई जाति आधारित सूची भेदभाव, त्रुटिपूर्ण और कुशवाहा समाज की आबादी को कम दिखाने की साजिश की गई है, जिसका पुरजोर विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि साजिश का पोल खोलने के लिए जल्द से जल्द सही जाति गणना कराकर सही आंकड़े जारी किया जाए। देखिए पटना से हमारे संवाददाता उत्कर्ष कुमार की रिपोर्ट। एक बिंदु जो है वो कल सरकार ने पेश किया है और बाकियों को आज सर्वदलीय बैठक में पेश करना है, लेकिन दूसरी तरफ कुशवाहा समाज जो है इस जातीय गन्ना के आंकड़ों का विरोध कर रहा है। देखिए पटना के इनकम टैक्स पर ये पोस्टर लगाए गए हैं जहां पर कुशवाहा समाज ने साफ कहा है कि कुशवाहा विरोधी है नीतीश तेजस्वी की सरकार, बिहार सरकार द्वारा जारी की गई जातीय आधारित सूची भेदभाव है, त्रुटिपूर्ण एवं कुशवाहा समाज की आबादी को कम दिखाने का साजिश किया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अतः केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसे जल्द से जल्द साजिश को पोल खोलने के लिए शीघ्र ही जातीय गन्ना कराकर सही आंकड़ा प्रस्तुत करे। कुशवाहा समाज के बेटा सम्राट चौधरी से तुम लोग इतना डर गए कि जातीय गन्ना में ही घोटाला करवा दिया, वहां रहे नीतीश तेजस्वी सरकार। देखिए कौशल कुशवाहा जो है उन्होंने ये पोस्टर लगवाया और एक ही पोस्टर नहीं, पूरे पटना में ऐसे पोस्टर लगाए गए। हम दूसरी तरफ भी दिखाएंगे कि ऐसे पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं और कुशवाहा समाज कहीं ना कहीं जो है वो इस जातीय गन्ना के आंकड़ों से खुश नहीं है और साफ कहना है कि नीतीश तेजस्वी जो हैं ये भेदभाव कर रहे हैं और सम्राट चौधरी से डर गए हैं, इस वजह से ही वो जो जातीय गन्ना में घोटाला जो है वो करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब सवाल जातीय गन्ना को लेकर ही उठ गया है और इसको लेकर राजधानी पटना में पोस्टर जो है वो कुशवाहा समाज की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट, पटना।